गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस ये है डे थ्री, नहीं गाइस डे फोर इन, मतलब कि गाइस मेरी तरफ से तो डे थ्री है। सो ये है गाइस डे थ्री इन हरिद्वार। सो गाइस हमने जैसे कि रात को आप सभी को दिखाया था, थक कर आ चुके थे, गाइस फिर सो गए थे। सो गाइस आज फिर से हम जा रहे हैं। आज तो गाइस हम बहुत ही लेट हो गए, अभी गाइस यहीं पर 2 बज चुके हैं। आज गाइस हम 12 बजे उठे थे सभी यहाँ पे, एंड फिर गाइस अब जाने, अब सब तैयार हो रहे हैं। सो गाइस मैंने आज का आउटफिट मेरा कुछ ऐसा है, इस जॉर्डन का नीचे ये शॉर्ट है, इनके ऊपर लेजेंड वाली शर्ट है, आप सभी को दिखाएंगे। भाई तो गाइस हमें जाना है, आज का कुछ ऐसा प्लान है कि हम जा रहे हैं ऋषिकेश में कुछ बढ़िया जगह पे। अभी गाइस वाटरफॉल ही है कोई बढ़िया, सो वहाँ पे जाएंगे एंड आप सभी को दिखाएंगे कैसा है वहाँ का, एंड फिर चलते हैं। मैं अभी गाइस तैयार हो चुका हूँ शावर लेकर, सो अब चलते हैं एंड आप सभी को दिखाएंगे नहीं करेंगे। जैसे कि गाइस कल हम शूज़ पहन कर चले गए थे तो गाइस शूज़ सारे गीले हो गए थे ऑलमोस्ट। सो गाइस आज हम कोशिश करेंगे कि स्लीपर्स में जाएं, जैसे कि गाइस अभी मेरे पास स्लीपर है, पहन रखी है इसमें अभी। तो हम मिलते हैं गाइस, आप बने रहे एंड आपको आई होप कि मज़ा आ रहा हो, तो ऐसे गाइस इंजॉय करते रहें एंड आप सभी को मैं दिखाता रहूँ। हमें रास्ते में एंड अभी गाइस हम पेट्रोल पम्प पर रुके, सो गाइस चलेंगे एंड आप सभी को दिखाएंगे सारे नियर वाटरफॉल। सो आप सभी को दिखाएंगे वहाँ पे गाइस, आप सभी को शेयर करते हैं सारा। हम रुके हैं यहाँ पे, ये गाइस ऊपर है बहुत ही, तो भाई देख सकते हो नीचे आया सब कुछ। गाइस नीचे राफ्टिंग भी चल रही है, आप सभी को दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये गाइस सीधा नीचे गंगा है, हम जा रहे थे गाइस नीर वाटरफॉल झाके की, बहुत ही भीड़ थी गाइस सुबह देखा था, तो गाइस बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बट गाइस अब इतनी बुरी भीड़ है देख सकते हो आप, जैसे जाम चलता ही जा रहा है पीछे से, है ना। अभी रहे तो गाइस अब हम वापस प्लान चेंज कर रहे हैं, अब हम गाइस नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जा रहे हैं नीचे लक्ष्मण झूला या राम झूले की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं, आप सभी को उठते चल रही है हवा, मतलब कि बहुत ही फ्रेश एयर है गाइस। हमने यहाँ से पी है शिकंजी एंड अभी गाइस हम यहाँ से व्यू देख रहे थे शिकंजी पीते हुए। सो गाइस आप सभी को दिखाता हूँ, राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे भी, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बहुत छोटी छोटी दिख रही है गाइस बोट्स, देख सकते हो गाइस वो जा रही। तो गाइस ऐसा कुछ व्यू है, हम वहाँ से आए हैं पूरा घूम कर इतने ऊपर चढ़ चुके हैं, अब गाइस हम वापस जा रहे हैं लक्ष्मण झूला और राम झूले की तरफ, बिकॉज गाइस यहाँ पे ना जाम और भीड़ बहुत ही है और फिर ऊपर एंट्री भी नहीं मिल रही है ऐसे, तो हम सोचे कि अब वापस नीचे लक्ष्मण झूला और राम झूला जा रहे हैं। सो चलते हैं ना, आप सभी को दिखाते हैं सब कुछ देख लिया, यहाँ पे देख सकते हो जाम बहुत बुरा लगा पड़ा है, तो हमने सोचा कुछ पी खा लेते हैं, अभी हमने सिकंजी पी ली थी एंड खाना वाना हमने रास्ते में खा लिया था, अपना घर से बना कर लाए थे गाइस, इस बार हम चलते हैं आपसे। यहाँ का व्यू बंद हो रहा है, याद दिलवा दे, वापसी चलो यहाँ से, वापसी चलो यहाँ से। यहाँ पे ये सारा ऋषिकेश का सामान मिलता है, देख सकते हो क्या चीज़ कुछ है तो देख सकते हो, यहाँ का ऋषिकेश का तो देख सकते हो, देख सकते हो भाई ये देखो झूठ का ये झूला, गाइस ऐसा कुछ है यहाँ का, ये यहाँ की कुछ ऐसी मार्केट है बहुत ही बड़ी, थका के हम लोग घर आ चुके हैं। आज गाइस हमने ना बाहर खाया बिकॉज किस मन नहीं था, मैंने आप सोचेंगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया रास्ते का, बिकॉज गाइस आज ना इतना जाम था। मैं गाइस आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो और मसूरी की तरह जा रहे हो, और गाइस एक ऋषिकेश में नीरगर वाटरफॉल है गाइस, उस तरफ हमें जाना था आज। सो गाइस इतना बुरा जाम, इतना बुरा जाम गाइस, 4-4 घंटे का जाम है। सो गाइस आप सभी को मैं एक और चीज़, अगर आप लक्ष्मण झूला जाने की सोच रहे हो और राम झूला, सो गाइस लक्ष्मण झूला अभी प्रोग्रेस में, अभी बन रहा है दोबारा से, तो गाइस वहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं, और अगर आप सोचो राम झूला जाने के लिए तो गाइस आप राम झूला जा सकते हो, बट गाइस बहुत ही बुरी भीड़ है,
मतलब कि गाइस बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। गाइस आप सभी को मैंने दिखाई भी कुछ क्लिप्स, क्योंकि गाइस वहाँ पे ये डर था कि फ़ोन ना छिन जाए, पॉकेट में से वॉलेट ने निकाल ले। सो गाइस क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस हम झूले पे गए भी, सो गाइस झूला ऐसे मतलब इनबैलेंस हो रहा था, बिकॉज गाइस उस पर बहुत ज़्यादा वेट था। एंड गाइस अनाउंस भी होता कि प्लीज़ झूले से जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि गाइस ज़्यादा वेट हो रहा था झूले का। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि अगर आप किसी झूले में झूल रहे हो, सो गाइस उसका भी एक लिमिट होती है कि कितने किलोग्राम्स वो होल्ड कर सकता है। अब गाइस वो इतना ज़्यादा था, इतने सारे लोग गाइस खड़े होकर वीडियो बना रहे, रील बना रहे, फ़ोटो खींच रहे हैं, टाइम पास ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इस वजह से उसे बोला गया कि जल्दी जल्दी निकलो, तो गाइस हम निकल गए थे। हमने ना फ़ोटो खींची, बस वीडियो बनाते चले गए, मतलब कि ऐसे नॉर्मल जैसे व्लॉग बनाते हैं। सब आपके सभी को गाइस यही बोलना था कि ऐसी जगह मत आओ, हम तो गाइस आके पछता रहे, क्योंकि गाइस यहाँ पे बिल्कुल सही हरिद्वार में इतना जाम नहीं है। लग गया ऋषिकेश में इतना बुरा जाम है गाइस, अभी हम 4 घंटे से जाम में थे। 3-4 होटल हैं यहाँ से गाइस, ऋषिकेश कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर है। सो गाइस 30-35 किलोमीटर कवर करने में गाइस हमें 3 घंटे लग गए, 3-3.5 घंटे। एंड फिर गाइस एक दो चीज़ जगह जगह से सामान। अब आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि गाइस अभी हम सोचे कि कल परसों में फिर हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो इस वजह से गाइस मैं एक और एडवाइस देना चाहती हूँ आप सभी को, अगर आप लोग लक्ष्मण झूला जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि अभी वहाँ पे मतलब वो बन रहा है, पता नहीं कुछ आएगी। गाइस वो झूला टूट गया था, तो इस वजह से गाइस वो रीबिल्ड हो रहा है। सो जैसे कि जो मैंने कहा, तो इसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी गाइस हम बना रहे हैं अपना डिनर घर पे आके, क्योंकि गाइस हमने सामान वामान खरीद लिया था और सब कुछ फर्निश्ड है, जो कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अब पहले खाना वाना खाते हैं। आज जैसे भी गाइस हम लेट निकले थे घर से, हम निकले थे कम से कम 2 o'clock। सो गाइस इस वजह से हमें ज़्यादा वो लगा, जाम वाम मिला नहीं, तो गाइस कल हम 12 बजे निकल गए थे, 11:30-12 बजे। सो सोचते गाइस अगर कल हम कहीं जाएंगे तो आप सभी को, तो कल हमारा प्लान है, अगर हम देखो गाइस वहाँ पे गए क्या कहते हैं ऊपर, और सो गाइस हम जाएंगे रोबर्स केव, अगर इस चेस्ट धारा है ना गाइस जहाँ से हम परसों आए थे, नहीं कल आए थे गाइस, उस तरफ को है वो भी। तो अब आप सभी को दिखाएंगे वहाँ पे अगर हम जाएंगे। वैसे गाइस अभी तूफान उफान का बता रहे कि चक्रवर्ती तूफान आ रहा है, सो इस वजह से गाइस थोड़ा सेफ भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस मुंबई में आ चुका है। और आप जगह भी अपनी जहाँ पे आप लोकेशन पे हो वहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताना कि वहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पे तो मन लग रहा है पूरा, बट गाइस जब जाम को देखते तो थोड़ा परेशान करता है वो जाम। एंड गाइस हमेशा कुछ बोलना चाहती है, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप विजिट कर रहे हो ऋषिकेश हरिद्वार में तो रॉबर्ट्स केव ज़रूर जाना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। हम तो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो जल्दी बंद हो गया था, और हम ये इसका इस उसका टाइमिंग मैं बता देता हूँ कि गाइस वो 6 o'clock बंद हो जाता है। सो उससे पहले पहले जिसको जाना हो जा सकता है। एंड गाइस उसके टिकट का प्राइस भी 25 rupees है, कुछ ज़्यादा नहीं है पर पर्सन। सो गाइस बहुत ही वर्थ है वो वहाँ पर, ऐसे वीडियो वीडियो देखी गाइस, अभी हम गए नहीं, हो सकता है कल जाए या फिर कल घर ही जाए। तो अब गाइस देखते हैं, आप सभी को दिखते हैं इतना ही, बिकॉज गाइस अब थक चुके हैं, खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे। सो कल अगर कहीं जाएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। सो टिल देन बाय एवरीवन, मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। एंड नायशा एक बार और कुछ कहना चाहती हूँ। एंड गाइस हमारा प्लान था कि हम कल अपने विलेज जाए नानी के यहाँ पे, पर लेकिन आई गेस अगर हम जाएंगे तो आपको उसका भी व्लॉग दिखाएंगे, है ना। यस गाइस, सो अब मिलते हैं गाइस आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन एंड मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। एंड आई होप यू ऑल लाइक इट दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट हिट द सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय।